हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने नए चैनल मिस्टर एलाइट स्टडी पे। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपनी बैटरी की लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए हमें बैटरी कैलिब्रेशन की मदद लेनी होगी। बैटरी कैलिब्रेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे बैटरी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी को कैलिब्रेट करने के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है और न ही इसे खोलना पड़ता है। इसके लिए फ़ोन को पूरी तरफ से पहले ऑफ होने दें। अब ऑफ हो जाने पर फिर इसे ऑन करें और ख़ुद से ऑफ होने दें। डिस्चार्ज होने के बाद भी थोड़ी पावर बची रहती है, इसलिए फिर से उसे ऑन करें और ख़ुद से ऑफ होने दें। अब बैटरी को 100% तक चार्ज करें। इस दौरान चार्जर को हटाना नहीं है। एक बार जब फ़ोन पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो उसे ऑन करें और फिर से चार्ज करें। जब 100% दिखे तो ऑफ कर ऑन करें, फिर एक बार चार्ज करें। रीस्टार्ट की प्रक्रिया दो तीन बार करें। यह बैटरी कैलिब्रेशन होता है। ध्यान रहे कि लिथियम आयन बैटरी यदि बार बार डिस्चार्ज हो तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, इसलिए फ़ोन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। बैटरी कैलिब्रेशन आपको 2 या 3 महीने के बाद ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। सेवन थिंग्स वी मस्ट डू व्हाइल मोबाइल इज चार्जिंग। फर्स्ट, अगर अपने स्मार्टफोन को बार बार चार्जिंग में लगाते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसका असर बैटरी की लाइफ पर होता है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि अगर आपकी बैटरी 40 से 60% तक चार्ज है, वो तब भी मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं, जो कि सही नहीं होता है। जब बैटरी 20% तक हो तभी उसे चार्ज में लगाएं। कभी भी फ़ोन को 90% से ज़्यादा चार्ज ना करें, इससे बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और कुछ लोग होते हैं कि मोबाइल को चार्ज में लगाए वक्त वो लोग मोबाइल चलाते हैं। इससे क्या होता है कि मोबाइल हीट होती है और उससे बैटरी ख़राब हो सकती है आपकी। सेकेंड वे, अगर आप अपने फ़ोन को हमेशा वाइब्रेट मोड पर रखे रहते हैं तो इसका असर भी फ़ोन की बैटरी पर हो सकता है। इसके अलावा टच वाइब्रेशन को भी बंद कर रखना चाहिए, इससे बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। आपको कभी भी अपने मोबाइल के फ़ोन का डाटा हमेशा ऑन करके छोड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका डाटा भी खर्च होता है और इससे बैटरी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ऑटो सिंक ऑन होने की वजह से बैटरी पर असर पड़ता है। थर्ड, अगर आप ऐप्स को हमेशा अपडेट करते रहें तो इससे बैटरी को मेंटेन किया जा सकता है। फोर्थ, अगर आपके ऐप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं तो उसे डिसेबल कर दें, वरना आपकी बैटरी जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐप्स जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं बैटरी। फिफ्थ, आजकल स्मार्टफोन में क्वाड HD प्लस डिस्प्ले आने लगे हैं। अगर डिस्प्ले का रिजोल्यूशन कम कर दें तो बैटरी लाइफ बेहतर हो सकती है, वरना फिर से आपकी बैटरी जल्द ख़त्म हो जाएगी। सिक्स्थ, क्या आप भी विजेट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। और अगर आप इसके साथ ऐप्स के मैसेज को भी बंद कर दें तो बैटरी कम ख़त्म। सेवेंथ, अगर आप वाईफाई या फिर ब्लूटूथ हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इसे इस्तेमाल करने से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि
वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी चीज़ें आपके बैटरी को जल्दी ख़त्म करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।